नमस्कार दर्शकों, एस्टोडे में आपका स्वागत है, चुनावी बेला में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। तो आज हम आई हैं बजूरी में, जहां से जो है रीटा शास्त्री जी जो हैं वो यहां से प्रधान पद के लिए चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतरी हैं। तो आपको पता ही है कि नगर परिषद के चुनाव हो चुके हैं, उनके नतीजे भी निकल चुके हैं और अब जो है पंचायत चुनाव जो हैं वो नज़दीक हैं। 17, 19 और 21 को जो है वो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो उनके लिए जो भी उम्मीदवार हैं सभी ने अपना प्रचार प्रसार जो है वो बहुत ही तेज़ी से आरंभ कर दिया है। तो आज हम आए हैं बजूरी में, जहां से हम रीटा शास्त्री जी से जानेंगे कि उनको चुनाव चिन्ह क्या मिला है और क्या प्राथमिकताएँ उनकी रहेंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आज स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आप हमें बताइए कि आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है। मेरे को चुनाव चिन्ह हैंडपम्प मिला हुआ है। अच्छा, तो आप प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो लोगों का कैसा सहयोग जो है आपको मिल रहा है? लोगों का सहयोग पूरी तरह मिल रहा है और सही से बातचीत हो रही है सबके, और पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को सारा कुछ। अब आगे देखिए क्या रिजल्ट निकलते हैं, अदरवाइज मेरे को पूरी सपोर्ट नज़र आ रही है। तो आप जैसे अपनी यहाँ पे अपने पंचायत के जो भी आपके वार्ड हैं, घर हैं, उनमें जा रही हैं आप, तो लोग जो हैं कुछ ऐसे भी होंगे जो आपका समर्थन कर रहे हैं और साथ में कुछ समस्याएं भी बता रहे होंगे, तो क्या समस्याएं जो हैं वो उठा रहे हैं आपके समक्ष? जी, लोगों में अभी मेन तो वही है कि हमारी सड़कें नहीं बनी हुई हैं, हमारे लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, जैसे आना जाना है रास्ता पक्का नहीं है, और बाकी पानी की निकासी की काफ़ी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। कुछ एक लोग कह रहे हैं कि जिनको पेंशन, बुढ़ापा पेंशन वगैरह नहीं लगी हुई है, तो काफ़ी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी हम वही देख रहे हैं, साथ में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, तो आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं तो मैडम मेरी यही रहेंगी कि पहले पब्लिक के बीच में आएं, फिर उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स जो अभी अभी हमें बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, पहले तो उन्हीं को सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स होंगे हमारे जो भी होंगे। मैम, आप क्या मानती हैं कि जो पंचायत प्रधान है वो कैसा होना चाहिए? पंचायत प्रधान, देखिए जी, ये पोस्ट ऐसी है कि उसको एक समाज सेवी होना चाहिए, एक उसको शिक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में समाज सेवा भी होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि वो पब्लिक के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम्स देख सके। ये नहीं कि हाँ भी मतलब हाँ जी हम ये भी करवा देंगे वो भी करवा देंगे, तो अब थोड़ा सा हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है, मेन तो पब्लिक को देख के चलना पड़ता है। मैम, आप ये बताइए कि आप संदेश क्या देना चाहेंगी? संदेश में तो यही बोलना चाहूँगी कि देखिए समझिए, पहले अपने कैंडिडेट को सोच समझिए, परखिए कि कैसा है कैसा नहीं है, और उसके अंदर क्या समाज सेवा करने लायक है, वो मैच्योर्ड है, शिक्षित है, सारी चीज़ें देख के तब आप अपना वोट दीजिए। धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी रीटा शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि उनके लोगों द्वारा जो भी समस्याएं उठाई जाएंगी उनको वे मौके पर जाके देखेंगी कि क्या समस्या है और उसका पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगी। तो ये थी रीटा शास्त्री जी।